लोग बात कर रहे हैं एक ऐसी केस स्टडी आईआईटी दिल्ली के दो बॉयज, दो कॉलेज बॉयज के बारे में, जिनका नाम था फर्स्ट तो अंकित बहाटी और सेकंड भविष्य अग्रवाल। तो दोस्तों ये किस कंपनी के सीईओ, सीटीओ और फाउंडर, को फाउंडर, ओला कैब्स, ओला कंपनी समझ लो, ओला फुल ग्रुप, ठीक है। इसके बाद क्या है कि आईआईटी मुंबई आपने सुना ही होगा, जिधर के एंटरप्रेन्योर्स पीछे जाती थी और उससे ही वो इंस्पायर्ड हो गए। आईआईटी मुंबई से वो इंस्पायर्ड होकर उन्होंने सोचा वी वांट टू बिकम एंटरप्रेन्योर, आई वांट टू बिकम एंटरप्रेन्योर, अंकित भाटी ने बोला, भविष्य अग्रवाल ने बोला। तो दोस्तों उनको सबसे ईजी बिजनेस लगा, उन्होंने सोचा सोचा सोचा, ढूंढा 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 और फिर उन्होंने सोचा सबसे इजी काम है ट्रैवल एजेंसी चालू करता। तो उन्होंने ट्रैवल एजेंसी चालू करी और फिर वो जो है मतलब फर्स्ट टाइम उन्होंने मतलब फर्स्ट टाइम वो कस्टमर से खुद ही बात करते थे। उन्होंने डिजिटलाइज करने की कोशिश किया और डिजिटल कर दिया। तो दोस्तों अंकित भाटी जो है वो कोडिंग करते थे, वो कोडिंग में एक्सपर्ट थे। भविष्य अग्रवाल टॉक टू ड्राइवर्स एंड कस्टमर्स। मतलब क्या हुआ कि अंकित भाटी सर जो है, अंकित भाटी तो उनके जो पार्टनर है भविष्य अग्रवाल के, मतलब अंकित भाटी क्या करते थे, कोडिंग कंप्यूटर पर कोडिंग करते थे, जैसे कि डिजिटलाइज हो जाए दोस्तों, ठीक है ना। तो भविष्य अग्रवाल क्या करते थे, ड्राइवर से बात करते थे फ़ोन पे, उनकी फ़ोटो खींचते थे, आईडी बनवाते थे उनके, और उनका जो मतलब उनको उनकी जॉब छुड़वा कर एंटरप्रेन्योर बनाते थे और बहुत सारी चीज़ें करते थे, ठीक है दोस्तों। ये हो गया और वो कस्टमर से भी बात करते थे, पहले मैनुअली करते थे, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, वो जो है उन्होंने उनका पता है भविष्य अग्रवाल के पास एक भी कार नहीं, कमान क्या, उनके प्लेटफॉर्म में 10 लाख कार्स है दोस्तों, 10 लाख कार, 1 मिलियन कार्स, पर उनके पास एक भी कार नहीं, क्योंकि वो एक रोल मॉडल बनना चाहते हैं कि मैंने कार नहीं रखी तो आप क्यों रख रहे हो। क्योंकि जो भी लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि जो भी लोग होते हैं ना वो रोल मॉडल बन जाते हैं, ठीक है ना। तो रोल मॉडल बनते हैं तो फिर क्या होता है कि अच्छी बात होती है, ठीक है ना, समझ गए दोस्तों, रोल मॉडल अच्छी बात होती है। फिर उन्होंने सोचा कि ये हो गया कि रोल मॉडल बनेंगे तो फिर दूसरे लोग भी नहीं खरीदेंगे, और इंडिया में बस 5% लोगों के पास ही गाड़ी है। तो उन्होंने सोचा शेयर सिस्टम, मतलब दो दो तीन तीन अलग अलग फैमिलीज के लोग बैठ जाए, ओला शेयर भी उन्होंने करने लगे और बहुत सारे, ठीक है ना। और CWG 2010 का, CWG मतलब समझो कॉमनवेल्थ गेम्स जो दिल्ली में होता है, 2010 में वो गए, उधर जाकर उन्होंने अपना स्टार्टअप जर्नी ट्रैवल एजेंसी के चिट्ठी बांधने लगे। और वो पहले तो मैनुअली करते थे, कस्टमर उनकी वेबसाइट पे आता था, रिक्वेस्ट करता था, वो ड्राइवर को बोलते थे, ड्राइवर उनके पास चले जाता, ऐसे ही साइकिल चलता रहता, मतलब इधर कस्टमर, वेबसाइट, और इधर ओनर भविष्य अग्रवाल एंड अंकित भाटी, और फिर इधर कौन ड्राइवर इधर आता था, और ऐसे ही बहुत सारे साइकिल बस साइकिल घूमते रहते, ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसके बाद उन्होंने क्या करा कि भविष्य अग्रवाल एक बार बेंगलोर से बांजीपुर जा रहे थे, बेंगलोर से बांजीपुर, तो ड्राइवर के गए और फिर जंगल आया बीच में, है ना, ठीक है। तो ड्राइवर ने उधर रोक दी गाड़ी, उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं जा रहा। उन्होंने बोला क्यों, नहीं ये तो बहुत गंदा रास्ता है, मैं नहीं जा रहा। तो उन्होंने बोला कि मेरी सैलरी, मेरी जो प्राइस है वो बढ़ा के दो। उन्होंने 200% बढ़ाने को बोल दी, बोले भविष्य अग्रवाल चलो या मैं जाऊँ। तो कार टैक्सी वाले को लग रहा था कि भविष्य अग्रवाल नहीं मानेंगे, भविष्य अग्रवाल को माने लग था कि टैक्सी वाला नहीं मानेगा। तो उन्होंने सोचा कि ये इनके इग्नोरेंस, इनका ये एटीट्यूड, इनका ये प्राइस फेयर, प्राइस अनफेयर, ये लोगों को पसंद नहीं होता।
तो उन्होंने बिग अपॉर्चुनिटी को सोचकर उन्होंने अपनी ट्रैवल एजेंसी से हट गए और अपनी ओला कैब्स बनाई। ठीक है दोस्तों, तो जब से ही स्टार्ट की थी ओला कैब्स, तो उन्होंने ओला कैब स्टार्ट करी करने लगे। दोस्तों ओला वॉज फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिकॉर्न। क्या यूनिकॉर्न मतलब सुनते, यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न मतलब होता है $1 बिलियन वैल्यूएशन। क्या कमांड वापस, $1 बिलियन ठीक है, वैल्यूएशन सॉरी $1 बिलियन वैल्यूएशन। ठीक है दोस्तों, तो फास्टेस्ट ग्रोइंग ठीक है ना दोस्तों, तो इनका कैपिटलाइजेशन कितना है, 56 या 57 है, एग्जैक्ट तो 57.6 है। ठीक है ना, 57.6 है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद क्या है, इसके बाद ऊबर का 39 और बाकी सब कंपनी का थोड़ा है। ठीक है ना, ओला और ऊबर का सबसे ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो ओला कैब्स का सबसे ज़्यादा है, 57.6% मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ठीक है, और ओला की पूरी कार्स खड़ी कर दो, पता है कितना हो जाए, 4000 किलोमीटर, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पूरा 4000 किलोमीटर। क्या कमान वापस, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर 4000 किलोमीटर। उनकी गाड़ी की लाइट इतनी बड़ी है दोस्तों, अलग है, गाड़ी अगर लाइन में रख दी तो अलग है दोस्तों, इतनी ज़्यादा उनके पास कार की वो है, टैक्सी सर्विसेज है। और दोस्तों आपको एक चीज़ और बतानी है कि अभी वो इंडिया के बाहर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बाहर जा रहे हैं, वो अलग अलग बाहर की कंट्रीज़ को भी एक्सप्लोर करने लगे, जिसकी आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, और मतलब ये तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तो नीचे हो गए, ऊपर यूके गए, जिधर की भी क्वीन एलिजाबेथ टू की डेथ हो गई है, उन पर भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाया दोस्तों, आप देख सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद क्या है, एक मैक्स कैलकुलेशन करते हैं। क्या मैक्स कैलकुलेशन की, एक कार 4 किलोमीटर चली और 10 लाख कार 40 लाख किलोमीटर, अब मून से और की दूरी 4 लाख किलोमीटर, मतलब अर्थ से चांद तक 10 बार इतना ज़्यादा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पे चले, चलिए दोस्तों, तो दोस्तों उनको क्या चाहिए, 10 करोड़ कस्टमर्स, भविष्य अग्रवाल सोचते हैं। ठीक है, क्या कि 10 करोड़ कस्टमर्स चाहिए हमें। ठीक है, 10 करोड़ कस्टमर्स, 10 लाख कस्टमर्स नहीं, 10 करोड़ कस्टमर्स और 10 लाख ड्राइवर। ठीक है ना, 10 करोड़ कस्टमर, 10 लाख ड्राइवर। ठीक है दोस्तों, ये होगा। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है उनको चाहिए। ठीक है, और उसके लिए उन्होंने क्या करा, उसके लिए पर किलोमीटर उन्होंने बस 6 रुपये लिए, और अगर आपने शेयर करा तो आपको जो मतलब फ्री मिलेगी। इससे इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ने लगा, फ्री के चक्कर में लोग शेयर करने लगे, और इतने सारे लोगों को पता चल गया कि 57.6% मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या है, इसके बाद यह है कि वो ये सोचते हैं 1 बिलियन राइड। क्या 1 बिलियन राइड्स हर साल होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, 1 बिलियन राइड्स हर साल, और 15 लाख राइड हर दिन। क्या 15 लाख राइड हर दिन दोस्तों, इतना बड़ा, इतना ज़्यादा विशन उनका, मिशन है का, गोल स्टेटमेंट है, अचीव करना है उनको दोस्तों। इसके बाद क्या है दोस्तों, एक सेकंड रुक जाए दोस्तों, ये इसके बाद क्या है कि वो जो है साइकिल बताऊँ मैं क्या है कि ओनर क्या है, साइकिल ओनर से ड्राइवर से कस्टमर, ओनर से ड्राइवर से कस्टमर, ओनर से ड्राइवर से कस्टमर। कैसे, क्योंकि ड्राइवर ही मेन किंग है आपकी कंपनी, ड्राइवर नहीं होगा मतलब ओला के लिए ड्राइवर ही किंग है। ठीक है ना दोस्तों,
उसके बाद क्या है, कार भी, कार का EMI भी उसको ही भरना है, कार का पेट्रोल भी उसको ही भरना है, कार का मेंटेनेंस भी ड्राइवर को ही भरना है, ड्राइवर की ड्राइवर खुद भरना, मतलब किंग है तो उसको अपनी सैलरी खुद करनी है ना, ठीक है समझ गए। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। सो गॉड नेक्स्ट, सो इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, वो है कि उनको जो है पूरा साइकिल बता दिया, अपनी पूरी बिजनेस स्ट्रेटेजी बता दी उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को, जैसे कि उन्होंने सोचा, ठीक। और दोस्तों मुझे ये लगता है, मुझे ये लगता है कि अगले दो दो तीन या चार पांच साल में, 10 साल में मुझे लगता है ओला उबर को खरीद लेगा या उबर ओला को खरीद लेगा, जब ही सैचुरेटेड मार्केट हो जाएगा, जब ही फ्लैट मार्केट हो जाएगा दोस्तों, हो सकता है, क्योंकि यही रियलिटी है। मतलब उबर ऊपर जाएंगे, उबर भी लड़ रहा है, ओला भी जान लगा रहा है, दोनों जान लगा रहे हैं अपनी, पर सबसे ज़्यादा ओला का है दोस्तों, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी ज़्यादा है। और दूसरी चीज, और दोस्तों इसके बाद क्या है, इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। और बेचारा मतलब ओला जो है वो 110 सिटीज में चला गया, बेचारा उबर 38 सिटीज में ही रह गया दोस्तों। और पहले वो क्या करते हैं कि ड्राइवर को इंसेंटिव 20% देते हैं, बिल्कुल घटा देते हैं, मतलब 1 करोड़ से 5 लाख, नहीं 1 करोड़ से 25 लाख, 5 लाख, नीचे बिल्कुल 30,000, 3,000 रुपये कर देंगे उनकी सैलरी, 30,000 रुपये कर देंगे। और फिर उसके बाद बढ़ाएंगे, मतलब उसके बाद कमीशन ज़्यादा चार्ज करेंगे, मतलब क्या हुआ, क्या समझ, कि इंसेंटिव 20% देते हैं पर कमीशन 80% लेंगे, और उसका उल्टा भी, कमीशन 20% लेंगे और इंसेंटिव 80% लेंगे। ऐसा जो साइकिल है, उस स्ट्राइकर तो उनको समझा लेते, वो बिल्कुल लड़ाई करते हैं, उनको प्यार से समझा देते तो दोस्तों ये मतलब वो उनकी सैलरी भी बढ़ सैलरी भी कम कर देते हैं, और फिर उनको कमीशन ज़्यादा लेते हैं, फिर भी वो उनसे अटैच, मैग्नेट के जैसे अटैच रहता है उनके साथ, मानो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी बात है, मानो मैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्या है दोस्तों, ये हमने समझ लिया। और उसके बाद क्या है कि फूड पांडा उन्होंने खरीद, ऊबर ईट्स के उसमें फूड पांडा खरीद लिया। देखिए दोस्तों, स्विगी ये जो जोमेटो है कि कोई और कस्टमर नहीं है, ठीक है ना, कोई और कस्टमर नहीं है, ये ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा, पर इनके तो ऊबर और ओला के कस्टमर ज़्यादा है, 39% 57%। तो ये लोग अगर इंडस्ट्री में जाएंगे, ऑनलाइन इंडस्ट्री में धमाल बजाएंगे। तो उन्होंने जो ओला ने क्या करा कि फूड पांडा को खरीद लिया। फूड पांडा कैसे करा, फूड पांडा वाले को क्या, हम तुम्हारी कंपनी का 100% शेयर लेंगे, ठीक है, हम तुम्हें पैसा नहीं देंगे, अच्छा उन पैसा नहीं दोगे, तो उन्होंने बोला हम तुम्हें अपनी कंपनी का ओला का शेयर होल्डर बना दें। तो उन्होंने फूड पांडा वाले ने सोचा, ठीक है ये तो कंपनी जो है तो ग्रो कर रही है, जे कर्व ले रही है, जे कर्व मालूम है, एकदम से करना है, एकदम से ग्रोथ करना, जे कर्व बोलते हैं उसको, जे कर्व कर रही है तो ठीक है ऐसा ही करते हैं, तो जे कर्व कर दिए दोस्तों। तो उन्होंने अपनी दे दी और इक्विटी और शेयर होल्डर बन गए दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, क्या नेक्स्ट पे चलते हैं कि उन्होंने क्या करा कि रूरल एरियाज में इतना लाइट वेट कर दिया, मतलब रूरल एरियाज में अभी भी 2G और 3G चलता है रूरल एरियाज में, ठीक है ना, तो उधर बस 2G और 3G होता है। और वो बोलते कि इतना लाइट वेट कर दो कि 1G वाला भी यूज़ कर ले, 2G वाला भी यूज़ कर ले, 3G वाला भी यूज़ कर ले, इतना ज़्यादा वो करते हैं लाइट वेट, लाइट वेट, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद क्या है कि वो ये बोलते हैं कि शेयर करो तुम लोग
स्टूडेंट्स को टारगेट करते हैं और बोलते हैं कि तुम शेयर कर दो, तुम्हें राइट फ्री मिलेगी। इसके शेयर के चक्कर में इतना शेयर कर दिया, इतना शेयर कर दिया, इतना शेयर कर, ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर कैब्स का बस और बस ओला का ही है दोस्तों। अनुभव दोस्तों ये बहुत बड़ी बात होती है। इसके बाद हम लोग एंड पे चलते हैं गोइंग इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों मैंने आपके लिए बहुत सारे वीडियो बनाए, जैसे कि मैंने आपके लिए बनाया जैसे कि विप्रो, अजीम प्रेम जी सर, नारायण मूर्ति, इन्फोसिस, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, शिव नाडर, एचसीएल, हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड। उसके बाद मैंने आपके लिए बनाया किस पे, उदय को नहीं, मैंने आपके लिए बनाया आनंद महिंद्र सर, महिंद्रा बिग ग्रुप, और कोटक महिंद्रा बैंक, उदय कोटक आपने सुना ही होगा, राधाकृष्ण अंबानी, डीमार्ट रिटेल स्टोर जो कि सबसे बड़ा 2 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन रखता है, उससे भी ज़्यादा हो गया अभी तो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट पे मैंने आपके लिए बनाया था सुनील भारती मित्तल, लक्ष्मी मित्तल पे बनाया था मैंने आपके लिए, सुनील भारती मित्तल की एयरटेल कंपनी, स्टील किंग ऑफ द वर्ल्ड आर्सेलर मित्तल कंपनी नेम, नेम लक्ष्मी मित्तल। और मैंने आपके लिए बनाया बहुत सारे ऐसे वीडियो, रॉयल एनफील्ड, सिद्धार्थ लाल, बिस्लरी, बजाज, बालाजी वेफर्स और बहुत सारी बड़ी बड़ी एलिबेथ, एलिजाबेथ टू की डेथ के ऊपर भी बनाया और बहुत सारी अच्छी अच्छी के लिए बनाया, सुभाष चंद्र बोस की स्टैचू, फ्रीडम फाइटर स्टैचू के बारे में भी मैंने बनाया। और आज हम लोगों ने बात करी ओला के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपके लिए कल बनाऊंगा वोल्टास पर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ऐसे ही मेरे वीडियो देखते रहे एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो। और दोस्तों अपने बच्चों को भी शेयर करिए जिससे कि उनको नॉलेज मिल सके और वो देख सके कि 2 IIT दिल्ली के स्टूडेंट्स ने कैसे अपनी इतनी बड़ी 57.6% की मार्केट कैपिटलाइजेशन कर ली कैप्स में। तो दोस्तों अपने बच्चों को दिखाइए और अपने जो फैमिली मेम्बर हैं उनको भी दिखाइए, क्या पता उनमें आग आ जाए और फिर वो अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर दे। सो ऐसे मेरे वीडियो देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।